ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੁਰਨੇ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। आओ थानेदार साहब आओ तुहाडा ही घर है। थानेदार चारपाई ते बैठ गया। नंबरदार संत सिंह ने अपने पुत्र नु थानेदार दी लस्सी लेण ले कहा। पुत्र तरन सिंह थानेदार वास्ते लस्सी ले आओ। जी पिता जी की लेके आया। नंबरदार साहब माफी दया जे थानू इनी सवेरे सवेरे तक तकलीफ दिती पर काम ही कुछ ऐसा सी गवर्नमेंट वालों जबरन भर्ती का हुक्म आया है। जबरन भर्ती? हाँ जी जबरन भर्ती फौज वास्ते बंदे चाहिदे ने 15 तो 35 साल का एक भी आदमी बाकी ना रहे। मैं अजे किड़ा मल्ला सिंह ते बताड़ा शर्म सिंह भी जाना है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਬ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੇ ਡੀਸੀ ਐਸਪੀ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ ਚੰਗਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾਨ ਕੌਰ ਹੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਏ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦੜ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਖੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਉਸਦੀ ਮੇਮ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। वेल थानेदार सारे लोग कहां से लाया। थानेदार ने फिर सलूट मारिया ते आख्या साहेब हिंदू जग से लाया। नंबरदार संत सिंह ने अगे होके डीसी नु सत श्री अकाल बुलाया। डीसी साहब ये लड़का तुम्हारा है? हाँ साहब। लड़के तुम्हारा नाम? तरुण सिंह। फौज में भर्ती होगा? नहीं साहब। क्यों नहीं? असि नामधारी अंग्रेजी नौकरी नहीं करते। कैसा नामधारी? हम तुमको जबरी भर्ती करेगा। थानेदार इसकी उम्र देखो। मैं नौकरी नहीं करूंगा। हम देख लेगा। नंबरदार संत सिंह ने थानेदार दे मुंशी वाल दो उंगला दिखाईया कि 2 रुपया देंगा उम्र थोड़ी बखा दे। मुंशी ने कई सफे पलट के आख्या जनाब तरन सिंह वद संत सिंह वद दयाल सिंह साकिन हिंदू चक उम्र 12 साल 6 महीने जाते जट सिख। अभी छोटा है। वेल तरन सिंह क्या बताया क्या होता है ये नामधारी? नामधारी श्री सतगुरु राम सिंह जी का सिख हुंदा है। राम सिंह कैसा राम सिंह? वेल तरन सिंह क्या तुम कुका राम सिंह की बात करता है? हाँ साहब श्री सतगुरु राम सिंह नामधारी कुका मैं उन्हां दा ही सिख हां ते उन्हां दा ही रहांगा। मैं सिख हां गुरु दा ते सिख ही रहांगा। सिख हां गुरु दा ते सिख ही रहांगा। सिख हां गुरु दा ते सिख ही रहांगा। सिख हां गुरु दा ते सिख ही हाँ ये राम सिंह का कूका है। मेम हरानी नाल अपनी कुर्सी तो उठती हुई ओ माय गॉड इज ही टॉकिंग अबाउट राम सिंह कूका। कूका अंग्रेज का नौकरी नहीं करेगा। कूका अंग्रेज का वफादार नहीं हो सकता। भागो यहाँ से। डीसी नंबरदार दे लख चादर सिर ते आम जट की पग वेख पूरा कद उम्र वेख पुछन लगा वेल नंबरदार क्या तुम भी कूका है? हाँ साहब। तुम झूठ बोलता है थानेदार। जी जनाब। इसका चादर उठा के देखो गचा है। थानेदार उत्तो ही टटोलदा होया जनाब कच्चा है। ऐसे नहीं
इसका चादर उठा के देखो, अगर कच्चा आज डाला होगा तो निशान नहीं होगा, अगर कूका होगा तो इसकी कमर के नीचे कच्चा बांधने का काला निशान होगा। जनाब निशान तो पुराना है। नंबरदार तुम भी भाग जाओ, और कोई है? इन्हें नू देवा सिंह गढ़वा डोरी आसन पूरे सुते आ हाजिर होया। वेल जवान फौज में भर्ती होगा? हाँ जनाब। क्या तुम भी कूका है? हाँ जनाब, पर मैं भर्ती होवांगा। फौज में क्या काम करेगा? तली रात उठ के जंगल मैदान जाके दातन करके स्नान करांगा, फिर पांच माला भगोतियां दिया 100 पत्रा ग्रंथ साहिब का पाठ करांगा, फिर अपने हथी चक्की पी के लंगर करांगा, जो नेड़े होन के उन्हां नू छका के फिर आप छकांगा, कुछ देर आराम करके पिछले पहर दा नित्यक्रम शुरू करांगा। ये क्या बोलता है? थानेदार ने मोटा मोटा सारे दिन का काम समझाया, ता डीसी एकदम बुड़किया। हाँ ये भी राम सिंह का कूका है, ये अंग्रेज की नौकरी नहीं करना चाहता, भागो यहाँ से। हिंदू चक्का साहब से कूका है, ये अटल सिंह दयाल सिंह का गांव है, इन सब लोगों को यहाँ से चंगे भगा दो, ये और लोगों को भी खाप करेगा। चलो साहब सिंह भागो यहाँ से। ये कैसा काम है थानेदार, भर्ती एक नहीं हुई हमारा सारा दिन खराब किया। थानेदार जी जनाब, हिंदू चक पे लाल निशान लगा दो, आज की बात से यहाँ से कोई सिख अंग्रेज की नौकरी में भर्ती नहीं होगा। नंबरदार संत सिंह के नाल सारे जाने उठ के खलो गए, ते अंग्रेज नू बंगार के की आखदे हन, इतो चक ले फरंगी आडेरा खालसे ने राज करेना, इतो